अभी तक हमने अपने चैनल पर गेमर, वीडियो एडिटर या फिर लाइव स्ट्रीमर लोग के लिए पीसी बिल्ड किया था। अभी मैं आज उन ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूँ जिनका ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होता अपने पीसी पर, लेकिन उनका बजट है अराउंड 30,000 के आसपास। वो कैजुअल गेमिंग भी करना चाहते हैं और ऑफिस के थोड़ी बहुत काम भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए आज का ये पीसी बिल्ड होने वाला है। बाकी यहाँ पर मैं इस पीसी में आपको कुछ ऐसे कंपोनेंट बताऊंगा जिससे आप अपग्रेड भी कर सकते हो फ्यूचर में। आपका मन किया अच्छी गेमिंग करने का तो इसमें ग्राफिक कार्ड डाल के आप वीडियो एडिटिंग, गेमिंग सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमने 6 कोर का एक अच्छा खासा प्रोसेसर यूज़ किया है। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हो चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की आपको वीडियो मिलती रहेगी इस चैनल पर। बाकी यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स के रिव्यू वगैरह भी करते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ यहाँ पर ये हमारा सबसे पहला कंपोनेंट है, AMD Ryzen 5 5600G प्रोसेसर है ये। जी सीरीज के जितने भी प्रोसेसर होते हैं AMD में खास करके, इनमें आपको जो इनबिल्ट GPU मिलता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर आप यार GT710 या फिर GT730 से कंपैरिजन करोगे तो आपको थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा, एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड खरीदने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर इस प्रोसेसर को चलाने के लिए हमने B450M HDV SROC का मदरबोर्ड यूज किया है। यहाँ पर आप 4 RAM स्लॉट वाला यूज करो या फिर B550 यूज करो, A520 यूज करो, तीनों मदरबोर्ड भी चल जाएंगे। आप कौन सा भी मदरबोर्ड यूज कर सकते हैं, बस A320 से बचना, A320 मत यूज करना। बाकी यहाँ पर हमने टीम ग्रुप की 16 GB रैम यूज की है, मतलब 8 GB की 2 RAM है। वैसे हमारे मदरबोर्ड पर 2 ही रैम स्लॉट है। अगर आप फ्यूचर में सोच रहे हो मैं 32 GB रैम करूँ तो 16 GB की एक सिंगल स्टिक पर भी डालकर चला सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा 8 GB की 2 स्टिक लोगे तो परफॉर्मेंस काफी अच्छी निकाल कर देता है APU हमारा। बाकी यहाँ पर स्टोरेज में मैं 500 GB की M.2 NVMe WD की सजेस्ट करूंगा। इसको मैंने काफी सारे बिल्ड में यूज किया है, बड़े से बड़े बिल्ड में हम लोग इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसकी रीड राइट स्पीड कमाल की है और इस पर आपको 5 ईयर ब्रांड की तरफ से वारंटी देखने मिल जाती है। इसके जगह पर आप Zen 4 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन B550 मदरबोर्ड यूज करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर पावर सप्लाई हमने डीप कूल की PF सीरीज की यूज की है। डीप कूल की जो PF सीरीज की पावर सप्लाई होती है वो बजट रेंज के PC के लिए होती है। इसमें आपको वाइट सर्टिफिकेशन देखने मिलती है, अगर आप ग्राफिक कार्ड भी डालोगे तो इजीली उसको भी हैंडल कर लेगा यह पावर सप्लाई। बाकी यहाँ पर कैबिनेट हमने यूज किया है AND E Sports ब्रांड का, तो इसमें फ्रंट में आपको 140mm के 2 फैन मिलते हैं, एयर फ्लो ठीक ठाक है इसमें। बाकी बैक साइड में 120mm का एक फैन मिल जाता है। टॉप पे भी 2 फैन इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन टॉप पे आपको कोई डस्ट फिल्टर वगैरह नहीं मिलता, इस बात का ध्यान रखें, परफेक्ट है बजट में। यहाँ पर ये जो गेम आप देख रहे हो ये GTA 5 है और इसे मैं 1080p मीडियम सेटिंग पर बेंचमार्क करके आपको दिखा रहा हूँ। बाकी यहाँ पर अगर आपको और ज़्यादा FPS चाहिए तो आप 1080p से थोड़ा नीचे चले आना 720p, उससे FPS आपकी बढ़ जाएगी अगर आपको ज़्यादा FPS में गेमिंग करनी है। बाकी आपको अगर क्वालिटी में रखना है तो आप 1080p 60fps ईजिली खेल सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको गेम में अगर सेटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपका जो वीडियो मेमोरी है वो 512 दिखा रहा है वहाँ पर, तो आप क्या करना, सबसे पहले मदरबोर्ड की बायोस में जाना, वहां पर देख लेना कि आपका जो फ्रेम साइज बफर होता है वो आपने 2 GB पर सेट करके रखा है या फिर नहीं, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट होता है मदरबोर्ड पर 512 MB सेट होता है। इसके लिए यहां पर आपको 2 GB करना पड़ता है, तभी आपको सारे गेम में इस तरीके की परफॉर्मेंस निकल कर दिखेगी। बाकी यहां पर अगर FPS कम आ रहे तो XMP प्रोफाइल वगैरह ऑन कर लेना, रैम को देख लेना आपकी रैम जो है कितने फ्रिक्वेंसी पर चल रही है, ऑपरेट कर रही है। बाय डिफॉल्ट देखो 2666 MHz पर चलती है, और अगर XMP ऑन कर दोगे तो 3200 MHz की आपने रैम लगाई होगी तो 3200 MHz पे चलेगी। बाकी देखो कहीं से भी बिल्ड कराओ, थोड़ा शॉप वाले को नॉलेज होनी चाहिए इस सब चीज़ की, नहीं तो आपको ऐसे PC बिल्ड करके दे देगा, फिर आप रोते रहोगे और कमेंट करते रहोगे वीडियो में आके। बाकी ये वीडियो कैसी लगी आपको एक बार ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए M Machine Build।